हे गाइस, आ गया हूँ और एक मजेदार कंपैरिजन वीडियो लेकर। रिसेंटली टेक्नो दो स्मार्टफोन लॉन्च किया है, टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G और टेक्नो पोवा 5 4G। टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G का जो प्राइस है 8GB 128GB 15,000 रुपीज है और टेक्नो पोवा 5 4G का जो प्राइस है 8GB 128GB 12,000 रुपीज। दोनों ही फोन Amazon में मिलता है। देखिए 4G वर्सेस 5G में कोई भी डाउट नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता है कि 5G फोन ही खरीदना चाहिए, लेकिन बहुत सारे भाई लोग जानना चाहता है किस में बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, किस में बेटर कैमरा सैंपल निकल के आता है, किसका बैटरी बैकअप ज्यादा है। आज इस वीडियो में एक एक पार्ट में डिटेल में कंपैरिजन करके बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए। दोनों ही फोन का डिजाइन कई हद तक सेम है। देखिए मेरे पास अलग अलग कलर है, कैमरा का जो स्टाइल है दोनों ही फोन में सेम मिलता है, लेकिन टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में ना बैक साइड में लाइट दिया है, यानी कि जब भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा या नोटिफिकेशन वगैरह आएगा या जब आप लोग चार्ज में लगाओगे बैक साइड में लाइट ब्लिंक होता है, लेकिन टेक्नो पोवा 5 में ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं दिया गया है। दोनों ही फोन बहुत मोटा है और दोनों ही फोन बहुत भारी है, लगभग 220 ग्राम के आसपास है। दोनों ही फोन बहुत बड़ा है ना, तो उसके वजह से थोड़ा सा आप लोगों को हेवी फील देगा, यूज करते करते आप कंफर्टेबल हो जाओगे। दोनों ही फोन का जो डिजाइन है थोड़ा सा गेमिंग वाइब देता है, ज्यादातर यूथ को टारगेट करेगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसका डिजाइन आप लोगों को बेटर लग रहा है, या ये जो डिजाइन का स्टाइल है आप लोगों को बेटर लग रहा है कि नहीं, या सिंपल सा डिजाइन पसंद आता है, कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए दोनों ही फोन में फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले दिया है। दोनों ही फोन का जो डिस्प्ले साइज है वो सेम है, 6.78 इंच का। बड़ा डिस्प्ले के वजह से दोनों ही फोन में जब मैं मूवी वगैरह देख रहा था ना, एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा मिला है। देखिए एमोलेड डिस्प्ले में जिस तरीके से मिलता है उस तरीके से तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप डिस्प्ले को साइड में रखोगे काफी बेटर वीडियो क्वालिटी निकाल के आता है। इवन बड़ा डिस्प्ले के वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर ही लगता है। दोनों ही फोन में 580 निट्स का ब्राइटनेस है, आउटडोर में मैंने यूज किया था, दोनों ही फोन का ब्राइटनेस मुझे एवरेज ही लगा है। दोनों ही फोन पंचोल सेल्फी कैमरा के साथ भी आता है। इवन दोनों ही फोन में कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है वो स्पेसिफाइड नहीं किया है। आप लोग बाजार से टेम्पर ग्लास वगैरह लगा के रखा करो, वरना क्रैचेस वगैरह आ जाए न्यू फोन में अच्छा नहीं लगता। अब चलो मेन पॉइंट में बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर, एक 5G प्रोसेसर है। टेक्नो पोवा 5 में दिया है मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर, ये 4G प्रोसेसर है। दोनों ही फोन में मैंने अंतुतु बेंचमार्क को रन किया था, यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट मिला है। देखिए अंतुतु स्कोर में थोड़ा सा ज्यादा स्कोर आया है टेक्नो पोवा 5 4G में। गीकबेंचमार्क 6 को भी मैंने रन किया था, सिंगल कोर स्कोर में ज्यादा स्कोर आया है टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में, लेकिन मल्टी कोर स्कोर ज्यादा आया है टेक्नो पोवा 5 में। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो गया, लेकिन मैंने दोनों ही फोन में BGMI को टेस्ट किया था। दोनों ही फोन में आप लोग BGMI को स्मूथ एंड अल्ट्रा सेटिंग यानी कि 40 FPS करके गेम खेल पाओगे। दोनों ही फोन में मैंने भरपूर BGMI खेला हूँ। टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में ना कांस्टेंट मुझे 40 FPS दे रहा था। हाँ कभी कभार 35 आ जाता है, लेकिन उतना ज्यादा लैग आपको महसूस ही नहीं होता है। काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में मिलता है, किलर गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल के देता है, 40 FPS कांस्टेंट ही रखता है। मैं 1 घंटे के आसपास इस फोन में गेम प्ले कर रहा था। टेक्नो पोवा 5 में भी आप लोग 40 FPS करके BGMI खेल पाओगे। FPS ज्यादा गिरता भी नहीं है, 35 के आसपास ही रहता है, उतना ज्यादा FPS नहीं गिरता है। लेकिन सामने जब बहुत सारे एनिमी आ जाता है ना, मैं क्लासिक मैच के जब इवेंट में उतर रहा था वहां पे दोस्तों बहुत सारे एनिमी आ गया था, बहुत ज्यादा लैग कर रहा था, FPS नहीं गिर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा था कभी कभार। तो मैंने ये नोटिस किया हूं टेक्नो पोवा 5 में, लेकिन 5 प्रो 5G में ऐसा मुझे कुछ भी नोटिस नहीं हुआ है। गेमिंग के मामले में थोड़ा पॉइंट तो ज्यादा ही जाता है टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के तरफ। बैटरी में बाजी पलट जाता है। टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में दिया है 5000 mAh का बैटरी और टेक्नो पोवा 5 में दिया है 6000 mAh का बैटरी। ऑब्वियसली दोस्तों बैटरी बैकअप ज्यादा देगा टेक्नो पोवा 5 का। दोनों ही फोन का बैटरी डेंटिस्ट कंपैरिजन बहुत जल्द इसी चैनल में आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। पोवा 5 प्रो 5G में दिया है 68 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर, 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके दे देता है। टेक्नो पोवा 5 में दिया है 45 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर, ये 1 घंटा लगता है फुल चार्ज होने के लिए। तो चार्जिंग ऑब्वियसली फास्ट है टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G का, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा बैटरी दिया है टेक्नो पोवा 5 में, तो उसके वजह से 1 घंटे के आसपास लगता है। दोनों ही फोन में साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी फास्ट है दोनों ही फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर। दोनों ही फोन में 3.5 mm जैक का ऑप्शन दिया है। दोनों ही फोन में डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन भी दिया है। दोनों ही फोन में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का भी ऑप्शन दिया गया है। साउंड क्वालिटी दोनों ही फोन का बेटर मिलेगा। अब चलो कैमरा के बारे में बात
बात करते हैं। दोनों ही फोन में बैक साइड की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी सेंसर डेप्थ सेंसर। टेक्नो पोवा 5 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दोनों ही फोन के रियर कैमरा से आप लोग 2K 30fps फुल HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। दोनों ही फोन में मैंने बहुत सारे इमेजेस वगैरह खींचा था, आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, ह्यूमन सैंपल, डायनामिक रेंज वगैरह। दोनों ही फोन लगभग सेम क्वालिटी का पिक्चर निकाल के देता है और इम्प्रेसिव पिक्चर है, आप लोगों को पसंद भी आएगा। कलर टोन वगैरह काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। इवन पोर्ट्रेट मोड में जो एज डिटेक्शन वगैरह है यहाँ पे भी इम्प्रेसिव पिक्चर खींचता है। इवन सेल्फी कैमरा से भी बहुत सारे इमेजेस वगैरह खींचा था। थोड़ा सा बेटर मुझे टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G का जो कैमरा सैंपल है। देखिए टेक्नो पोवा 5 अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, टेक्नो पोवा 5 का जो सेल्फी कैमरा सैंपल कई बार थोड़ा सा वॉश आउट टाइप कर देता है, उसी जगह में टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G अच्छी तरीके से बैलेंस्ड करता है। पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही फोन आपको टॉप नॉच पिक्चर खींच के देता है। बाकी दोनों ही फोन का पिक्चर को ओरिजिनल क्वालिटी में चेक कर सकते हो आपके ही फोन में। डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हूं, वहां पे जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। दोनों ही फोन के रियर कैमरा से फुल HD 60fps करके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, चेक कर लीजिए। और यहां से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किसका क्वालिटी आप लोगों को बेटर लग रहा है, इवन किसका स्टेबिलाइजेशन बेटर है, सब कुछ यहां से ही आइडिया लग जाएगा। सेल्फी कैमरा से फुल HD 30fps करके मैंने वीडियो सैंपल खींचा था, यहां पे भी चेक कर लीजिए क्वालिटी वगैरह, डायनामिक रेंज सेल्फी कैमरा में किस तरीके से आता है, सब कुछ डिटेल में यहां पे ही आप लोग चेक कर लीजिए। अब चलो बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए। देखिए परफॉर्मेंस के दिख से दोनों ही फोन बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। कैमरा में भी दोनों ही फोन लगभग सेम क्वालिटी का पिक्चर खींचता है, लेकिन जब बैटरी का बात आए यहाँ पे टेक्नो पोवा 5 थोड़ा सा बेटर बैटरी बैकअप देता है, लेकिन टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में आपको 5G फैसिलिटी मिलता है। तो ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे है कि कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। देखिए दोस्त अगर आपका बजट टाइट है, 5G या 4G से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग टेक्नो पोवा 5 के पास देखिए। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पैसा डाल सकते हो, 15,000 तक जा सकते हो, ऑब्वियसली दोस्तों टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G ही खरीदिए, यहाँ पे फ्यूचर रेडी 5G आपको मिलता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लोगों को बेटर लगा, आप लोग खरीदना चाहोगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।